बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे मैं वो स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन टेस्ट देना है और वो स्टूडेंट जिन्होंने पाक आर्मी में जो है वो नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था पाक आर्मी के मेडिकल कॉलेज में, अब उनका जो रिटर्न टेस्ट अकेडमिक टेस्ट होना है, इन दोनों की तैयारी के हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पास्ट पेपर जो है वो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपसे एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज में एडमिशन के हवाले से बहुत अहम एमसीक्यूज हैं। बार बार जो है वो ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आपने जो है वो ईजी नहीं लेना और हल्का नहीं लेना, लाइट नहीं लेना, बहुत अहम एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। बाकी मैं आपसे तमाम एमसीक्यूज शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बात करें बायोलॉजी के पार्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के और आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के जो पास्ट पेपर है उसमें जो बायोलॉजी का पार्ट है उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लिवर डिजीज, तो चिकन पॉक्स जो है वो लिवर डिजीज की एग्जाम्पल नहीं है। बाकी तमाम एग्जाम जो डिजीजेज इन्होंने बताई हुई हैं वो लिवर डिजीजेज हैं, फैटी लिवर डिजीज है, गिल्बर्ट सिंड्रोम है, और जो चौथे नंबर पर जो है चिकन पॉक्स वाला जो ऑप्शन है वो इसमें वो लिवर की डिजीज नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन होगा चिकन पॉक्स। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है नेम ऑफ कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग को क्या कहते हैं, स्कल भी नहीं कहते, स्पाइनल कॉर्ड भी नहीं कहते, मेनिंजीज जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है, बहुत एमसीक्यूज है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है सेकंड ईयर का तीसरा चैप्टर है, ये बहुत अहम है, इधर से बहुत सारे एमसीक्यूज हर बार आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेने। उसके बाद विच पार्ट ऑक्यूपाइज 80% ऑफ द ब्रेन, सेरिबलम, सेरिब्रम, मेडोला, तो स्टूडेंट्स में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो है वो 80% ऑफ द ब्रेन जो है वो उसको ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल फेयर एंगर एंड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो इसमें सेरिबलम भी नहीं है, थैलेमस भी नहीं है, हैपोथैलेमस जो है वो ये आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखता है, आपके एंजर को भी जो है वो आपके गुस्से को भी जो है वो कंट्रोल में रखता है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आना है वो हैपोथैलेमस आना है, तो हैपोथैलेमस इज राइट ऑप्शन। उसके बाद पीएच ऑफ द यूराइन इज 5, 6, 4, 7, इसमें जो है स्टूडेंट सब 4 लगाते हैं या 5 लगाते हैं, तो स्टूडेंट इसमें जो राइट ऑप्शन है पीएच ऑफ द यूराइन इज 6। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है अमाउंट ऑफ द यूराइन अ हेल्थी पर्सन शुड पासिस इन अ डे, तो इसमें जो एक नॉर्मल पर्सन हेल्थी होता होगा वो एक दिन में जो है वो यूराइन की जो अमाउंट होगी वो 1500 ml जो है वो डेली जो है वो उसको पास अवे करेगा, तो 1500 ml जो है वो इसमें राइट ऑप्शन है, जो बाकी इसमें 1200 भी नहीं है, 1300 भी नहीं है, 1400 भी नहीं है, 1500 ml इज द राइट ऑप्शन। एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज 300 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 350 ग्राम, तो एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट स्टूडेंट 300 ग्राम है। व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम जो है उसको कवरिंग ऑफ द हार्ट कहते हैं, मायोकार्डियम भी नहीं कहते, न्यूरोकार्डियम को भी नहीं कहते, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है व्हाट इज द कवरिंग ऑफ द हार्ट पेरिकार्डियम। नेक्स्ट मिक्स्ड ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लिवर, थायराइड, नहीं ये भी नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो मिक्स्ड ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का उसको पैंक्रियाज कहते हैं। विच एसिड इज सेक्रेटेड फ्रॉम स्टोमच, वेरी सिंपल एमसीक्यूज, फर्स्ट ईयर के जो है ये डाइजेशन वाला चैप्टर है उससे एमसीक्यूज लिया गया, तो जो एसिड जो है वो सेक्रेटेड फ्रॉम स्टोमच उसको HCl कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हाउ मेनी रिब्स इन ह्यूमन थॉरक्स, तो ह्यूमन थॉरक्स में जो पेयर होते हैं, अब स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, 12 पेयर होते हैं, स्टूडेंट जो है वो उधर 24 पेयर या 10 पेयर पे क्लिक कर रहते हैं, तो स्टूडेंट्स ह्यूमन हाउ मेनी रिब्स इन ह्यूमन थॉरक्स, तो 12 पेयर ऑफ जो है वो रिब्स आना है इसमें करेक्ट ऑप्शन, तो 12 पेयर इज द राइट ऑप्शन। परसेंटेज ऑफ द कैल्शियम स्टोर इन द बोन, तो बोन में 97% कैल्शियम स्टोर होती है, तो 97 आपने लगाने, 96 नहीं लगाना, तो बहुत जो है ये अहम एमसीक्यूज हैं, बार बार रिपीट हो चुके हैं। फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो इसमें जो है वो राइट ऑप्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मजीद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो उसकी अगर हम बात करें विच हु इन्वेंटेड ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, तो कार्ल लैंडस्टेनर जो है इसमें राइट ऑप्शन है, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है वो इन्वेंट किया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप को, तो ये एमसीक्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे जो है वो बार बार जो पास पेपर्स में आए भी हैं, तो इनको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप प्रिपेयर कर लें और इनको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, ये बहुत एमसीक्यूज हैं। इस हवाले से अगर आपको कोई मजीद सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।